अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम ऐसा छिलटे छिले ना, बहुत लोग को पाक करने आता है कि नहीं कि मुझे मालूम नहीं। एक एक जने का एक एक स्टाइल रहता है पाक करने में भी। ऐसा छिलना इसके ऊपर के छिलटे, फिर बीच में कट लगाना। कट लगा को इसकी जो जालीदार रहती है इस तरह से क्लीन करना। ये निकालना, आराम से इसके छिलटे निकल जाती। जो लोग को कुदरत खाने का इंटरेस्ट होता है ऐसा छिल लेना ऊपर के छिलटे, फिर इसके अंदर का बीच में कट लगाओ। ये निकालना, ऐसा क्लीन करना, इसके अंदर का पकाना नहीं। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा करके ऐसा निकाल देती हूँ। बहुत लोग काट करके दाल डालती हैं। तो देखिए उस तरह से काटने से अंदर के ये सब फंगस के जैसा, तो मसाला भी अच्छा लगता है और इसके वाइटनेस भी देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ पर अदरक लहसुन, अभी लहसुन छिली हूँ मैं, फ्रेश अदरक लहसुन ही डालती हूँ। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई को रखेंगे हम गैस के ऊपर। अभी हम थोड़ा सा 2-4 स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद मैंने एक प्याज को रफली चॉप कर लिया है, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ऑनियन को हम यानी कि प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। सिंपल रेसिपी है, आराम से बना सकते हैं। तो 1/2 स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्ची इसी में पीस वाली, तो इसे भी हम भून लेंगे। ठीक है सर, तो कच्चे अदरक लहसुन की खुशबू जा चुकी है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी 1/2 स्पून डाल दूंगी। अब इसी टाइम पे मैं एक छोटा टमाटर चॉप करके रखी थी, इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, टमाटर सॉफ्ट हुआ। ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये उतनी तेज़ नहीं रहता कलर के लिए। तो अभी मैं उसका टाइम पर भी इसी टाइम पर डाल दूँगी। पानी तो बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं, इसी में दम हो जाता है ये मसालों के साथ साथ में। अभी कितने बड़े हैं देखिए, अभी कितने छोटे हो जाती हैं ये कुदरतियाँ, ऑलरेडी इसमें भी पानी रहता है। और मैं हरी मिर्ची के साथ भी नमक डाल के पीती हूँ। अभी मैं 1/2 स्पून टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पाँच मिनट ढक दूँगी। तो चलिए अभी चेक करते हैं, 5 मिनट हो गए। देखिए आप, मैं बोली थी ना इसी में पानी, देखिए कितना सारा निकलता है। कुदरते हैं पक्के भी छोटे हो जाते हैं। ग्रेवी बहुत टेस्टी रहती है, सिंपल रेसिपी, ज़्यादा मसाले कुछ नहीं। इसी टाइम पे थोड़ा सा धनिया पाउडर और एक मसाला ऐड करूँगी मैं, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पर देखिए पास्ता मसाला, इसमें गरम मसाला सब मिक्स होके रहता है, आप भी ज़रूर से ये ट्राई कीजिए हर। तो इसे मैं थोड़ा सा 1/2 स्पून डाल दूँगी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देंगे इसी टाइम पे, थोड़ा सा टीमें तो भी हम बड़ा बड़ा कट करके ही डालेंगे। दो
2 मिनट पका लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा। पानी बिल्कुल मत डालिए, इसी से पानी और उसका ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। पानी डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है, रोटी के साथ चावल के साथ बहुत अच्छा रहता है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। कम मसालों में बना रही हूँ मैं, तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट पक गया है अभी, ये इसे पकाएंगे नहीं इससे ज़्यादा। तो इस तरह से वाइट राइस में बहुत टेस्टी रहता है ये ग्रेवी। तो इस तरह सिंपल रेसिपी के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो शुक्रिया।